नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम टुडे में और मैं हूं आपके साथ जयश्रीका। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासी समाज पर दिए गए विवादित बयान पर अब सियासी पारा हाई हो गया है। शिक्षा मंत्री के माफी मांगने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके इस बयान के चलते आदिवासी समाज में गुस्सा है और अब भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत अपना डीएनए सैंपल देने जयपुर आ पहुंचे। डीएनए टेस्ट के ब्लड सैंपल देने खुद भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत अपने समर्थकों के साथ शनिवार को जयपुर आ पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के सरकारी बंगले पर जाने के लिए प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें विधानसभा के पास ही रोक दिया। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। बांसवाड़ा से बीजेपी के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भाजपा की सरकार है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बयान देने वाले मंत्री को पद से हटाया जाए। आदिवासी भले ही जंगलों में रहता हो और आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन डीएनए के तौर पर कमजोर नहीं है। पूरे समुदाय पर उंगली उठाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें डीएनए टेस्ट की जरूरत है, इसलिए डीएनए टेस्ट करवाने के लिए हम आ पहुंचे हैं। अब मंत्री खुद गायब क्यों? ये सिंपल सी एक ही बात है कि मदन दिलावर ने आदिवासी समुदाय के डीएनए टेस्ट की बात की थी। हम आदिवासी समुदाय से जनप्रतिनिधि आते हैं, हम सैंपलिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। तो एक ही सिंपल सी बात है कि आज मदन दिलावर जी यहाँ तो आदिवासी समुदाय से माफी मांगे और भाजपा स्वयं ऐसे मंत्री को पद से हटाए जिन्होंने पूरे आदिवासियों पे लांछन लगाने का काम किया है, आदिवासियों के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाने का काम किया है। ये राजस्थान के आदिवासियों नहीं, पूरे देश के आदिवासियों पे लांछन लगाने का काम किया है। इस बात को यहीं विराम नहीं दिया जाएगा। भाजपा स्वयं संज्ञान लेके इस व्यक्ति को पद से तुरंत हटाए और वो व्यक्ति भी खुद गिल्टी फील करते हुए पूरे समुदाय से माफी मांगे। यहाँ भारी पुलिस जाप्ता तैनात है, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हम सैंपल टेस्ट देने के लिए हम लड़ाई करना नहीं आए, करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो केवल सैंपल देने के लिए आए हैं। पुलिस हमें रोकेगी तो पुलिस से हम अनुरोध करेंगे उनको बुला ले, यहाँ हमारा सैंपल यहाँ ले ले, हमें कोई जाने का शौक नहीं है वहाँ पर। आगे क्या विधानसभा घेराव की भी चेतावनी? बिल्कुल, आने वाले समय में विधानसभा के अंदर भी बात उठेगी, विधानसभा के बाहर भी बात उठेगी, लोकसभा के अंदर भी उठेगी। हम तो सिंपल से, उन्होंने कहा था डीएनए टेस्ट कराएंगे, हम आगे से आ रहे डीएनए टेस्ट कराने के लिए। आप करा ले डीएनए टेस्ट, क्यों छुप रहे हैं आज, क्यों भाग रहे हैं? ये इस तरह का बयान आज से पहले किसी भी मंत्री, किसी भी व्यक्ति ने किसी समुदाय को लेकर डीएनए पे बात नहीं की गई है। उन्होंने कही है तो वो स्कीम लाए राजस्थान के अंदर, डीएनए टेस्ट कराने की स्कीम लाए, डीएनए टेस्ट कराए सबका, वो सर्टिफिकेट देंगे, हमको सर्टिफिकेट देंगे वो। फिर से अलग धर्म कोड की भी मांग करते हुए यहाँ पे आपके लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या आप भी उस मांग के साथ हैं? बिल्कुल, मैं उस मांग के साथ हूँ। मैं ही नहीं, भाजपा का भी ये रवैया आपके जानकारी में डालना चाहूंगा कि झारखंड के अंदर 10 नवंबर 2022 को सरना धर्म कोड, आदिवासी सरना धर्म कोड के प्रस्ताव पास होके केंद्र सरकार को भेजा गया है। उस समय झारखंड के अंदर मजबूत विपक्ष के रूप में भाजपा थी और भाजपा का प्रतिपक्ष नेता, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता ने स्वयं ने कहा है कि आदिवासी हिंदू धर्म में नहीं आता है, उनका अलग से धर्म कोड जारी किया जाए। ये प्रस्ताव उन्होंने सम्मति दी है। झारखंड की भाजपा, राजस्थान की भाजपा अलग है क्या? झारखंड में तो कह रही है आदिवासियों का वोट बैंक पटरने के लिए, हमें हिंदू नहीं है, और यहाँ अलग तरीके से ड्रामा कराया जा रहा है। लेकिन सवाल वो नहीं रहा है, सवाल डीएनए पे आ गया है, क्योंकि उन्होंने डीएनए पे कहा है। उन्होंने कांग्रेस के लोग भी साथ में है, हमारे सीपीएम के लोग भी साथ में है, सभी वर्गों के लोग साथ में है। यहाँ पर आदिवासी अकेला नहीं, हमारा एससी भी है, ओबीसी भी है, अन्य कम्युनिटी के भी लोग है, क्योंकि सभी नहीं चाहते कि इस तरह का व्यक्ति जो धर्म विशेष, जो जाति विशेष के डीएनए पे बात करे, ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री रहने कतई लायक नहीं है, वो पद से इस्तीफा दे। तो सांसद राजकुमार रोत का मानना है कि आदिवासी समुदाय ने हर धर्म का मान सम्मान रखा है, लेकिन आदिवासी समाज किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। आदिवासी किसी आस्था का समर्थक जरूर है, लेकिन संवैधानिक रूप से किसी धर्म में नहीं आता है। हम प्राकृतिक रूप से फॉलो करते हैं, लेकिन किसी धर्म में आस्था नहीं रखते हैं। अब आगे देखना ये होगा कि रोत के इस प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।